हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीटीएस में। दोस्तों, प्रभात ट्रेडिंग सर्विस आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आई है जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आने वाले महीनों में, आने वाले साल में। अगर आप उसमें अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं तो इट विल बी अ जैकपॉट स्टॉक फॉर यू एवरीवन। सो आज की वीडियो में उसी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेटल सेक्टर का वो स्टॉक है और अच्छे वैल्यूएशन पे है, हम कह सकते हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आप प्रभाव ट्रेडिंग सर्विस को पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर आप पीटीएस को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पीटीएस इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको ट्रेनिंग के लिए प्रॉफिट दिखा के अप्रोच नहीं करता। पीटीएस आपको ऑलवेज अपनी एनालिसिस से ट्रेनिंग लेने के लिए अप्रोच करता है। अपनी एनालिसिस से हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। और पीटीएस इकलौता रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बने रहें एंड तक और स्किप करके वीडियो को मत देखिए, बिकॉज स्किप करके देखेंगे तो आपसे पॉइंट मिस हो सकते हैं और मैं वो चाहता नहीं हूं। सो वॉच टिल द एंड। सो चलिए डायरेक्ट चलते हैं उस स्टॉक पे। दोस्तों, स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील। देखिए, जिंदल स्टील जानी मानी कंपनी है और आप कह लीजिए ये अपने हाई से अच्छा खासा गेन वाइप आउट कर चुकी है। अभी हम जिंदल स्टील की एनालिसिस करेंगे, पहले वीकली टाइम फ्रेम पे, फिर हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा उससे पहले। देखिए, ये है वीकली टाइम फ्रेम जिंदल स्टील का। करीबन 2018 में, ठीक है, 2018 आप कह लीजिए, ये अपना 2018 के शुरुआत में इसका हाई था 300 के आसपास, ठीक है, 295 मान लीजिए। वहां से जिंदल स्टील ने कहां तक का सफर तय किया, 93 तक का। आप देख सकते हैं, यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो जिंदल स्टील में नीचे देखने को मिला 70% का डाउन साइड मूव देखने को मिला ऊपर से, मतलब पूरा इसने गेन वाइप आउट कर दिया। और देखो, यदि हम देखें इससे भी पहले का, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये करीबन 2010 की यदि हम बात करें तो 2010 में ये 750 के आसपास हुआ करता था, ठीक है, 780-790 का। वहां से जिंदल स्टील ने 2010 से और 2016 तक इसने 56 का लो लगाया, ठीक है। यदि हम ऊपर से डाउन साइड कैलकुलेट करें तो आप कह सकते हैं करीबन -94% का इसने डाउन साइड मूव दिया है, ठीक है। तो कह लीजिए, देखो, मेटल सेक्टर की हालत खस्ता है इन दिनों। और अभी क्या हो रखा है, देखो, मेटल सेक्टर थोड़ा सा कुछ मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ इसमें दिख रहा है, तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो देखिए, हर सेक्टर का देखिए हर सेक्टर का एक लेवल पे टर्न अराउंड होता है। तो वही टर्न अराउंड मेरे को कह लीजिए जिंदल स्टील में दिखा है। अभी हम समझते हैं कि जिंदल स्टील ने वीकली टाइम फ्रेम पे क्या किया है। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे जिंदल स्टील ने करीबन इस एक लाइन के ऊपर, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक लाइन यहाँ पे है, इस लाइन के ऊपर 2018 से, ठीक है, इसके ऊपर जाने में इसको पसीने छूट रहे थे। देखो कितनी बार असिस्टेंट लिया है, काउंट करते हैं, एक बार, दो बार, तीन, चार, ठीक है, चार बार रेसिस्टेंट ले चुका है। मतलब जब ये यहां पे जाता था, सेलिंग देखने को मिलती थी, हर बार सेलिंग देखने को मिलती थी अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड आपको सेलिंग देखने को मिलती थी जिंदल स्टील में। और देखिए अब क्या हुआ है, जिस लाइन के ऊपर जाने में इसको मशक्कत करनी पड़ रहा था, देखिए, और अब क्या हुआ है इसमें, जिस लाइन के ऊपर जाने में इसको मशक्कत करनी पड़ रही थी, उस लाइन के ऊपर इसने तीन कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज दे दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिंदल स्टील अब क्या भागने
के लिए रेडी हो चुका है, क्या भागने के लिए, अब यहां से इसमें बुल फेस की शुरुआत हो चुकी है, राइट। अगर देखिए, अगर हम बात करें कि दोस्तों, यदि हम एक चीज देखें तो देखो, आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको देखो एक चीज दिखाता हूं, आप देख सकते हैं कि करीबन 2018 से ये एक रेंज में था, राइट। आपको एक रेंज देखने को मिल रही होगी, और इस रेंज का ब्रेकआउट हमें मिला है कब, हमें मिला है फोर्थ ऑफ, आप कह लीजिए फोर्थ ऑफ नवंबर को, राइट। 4 नवंबर को इसने ब्रेकआउट दिया था जिंदल स्टील ने, और उसके बाद से ये ऊपर ही है, ठीक है। तो देखो, अब हम चलते हैं इसके डेली के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है ये, आप देख सकते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया है, नीचे यहां पे देखिए, नीचे यहां पे एक क्या था, ये था हमारा एक पर्टिकुलर रेंज था, रेंज का ब्रेकआउट दिया, राइट। अब रेंज का देखिए, आप ऑब्वियसली जब कोई स्टॉक 104 से एक 150 का मूव देता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें करेक्शन और हल्का सा थकावट देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद से फिर से इसने रैली दिया, ठीक है, करीबन 140 35 से 135 से 166 तक का इसने मूव दिया। अच्छा, अब देखो, अब जिंदल स्टील में क्या हो चुका है, अब ये बिल्कुल ओवरबॉट हो चुका है। देखो, ये लॉन्ग टर्म में बाय है, लेकिन अभी आपको खरीदना नहीं है इन लेवल्स पे। आपको कब खरीदना है जिंदल स्टील को, जब जिंदल स्टील आपको 150 के आसपास या 140 के आसपास मिले, जब थोड़ा नीचे मिले तब आपको खरीदना है। देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूं ये ओवरबॉट हो चुका है, अभी अभी शॉर्ट टर्म के लिए ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है। अभी देखो, यहां पे ये हर बार असिस्टेंट लेता है, ठीक है, यहां भी लिया, यहां भी ये लेगा, ठीक है, चांसेस यही हैं। तो आपको यहां पे लेना है, आपको इस रेंज में कहीं लेना है जिंदल स्टील को, राइट। तो आपको अपना लेवल याद हो गया कि जब जिंदल स्टील आपको 150 के 140 45 के आसपास दिखेगा, आप यहां पे बाइंग कर लेंगे, राइट दोस्तों। और देखिए, जब यहां पे ये जिंदल स्टील, मैं आपको शो कर देता हूं, देख लीजिए आप, यहां से इसने ब्रेकआउट दिया था, ऊपर गया, फिर यहां पे कंसोलिडेशन, अब यहां से एक रेंज बनाएगा, जब इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब ये कहां चला जाएगा, 180 और 200 का टारगेट इसमें होगा। तो मैं आपका टारगेट लिख देता हूं, कितना होगा हमारा जिंदल स्टील का टारगेट होगा 180, और 200 का आपका टारगेट होगा जिंदल स्टील में। देखिए, जहां तक बात की जाए स्टॉप लॉस की, तो देखो आप अपना स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, अब अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं ये वाली लाइन, कितना 134 का लाइन है ये, जब तक जिंदल स्टील कितना, स्टॉप लॉस में लिख देता हूं वन, एक सेकेंड इसको हम प्रॉपर देख लेते हैं, हाँ जी 132, राइट, 132 के ऊपर, 132 के ऊपर जब तक है जिंदल स्टील, तब तक आपको क्या करना है, बाइंग ऑन डिप्स का रणनीति रखना है, ठीक है। और देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, अब ये यहां से रुकने को, अब और मैं आपको देखो एक चीज बता दूं, अब यहां से ये चलने को तैयार हो चुका है, रैली भी दे चुका है, अब यहां से थोड़ा बहुत आपको यहां पे कंसोलिडेशन का वेट करना है, उसके बाद से आपको ये अच्छे खासे 180 और 200 का लेवल डैम श्योर आपको ये दिखा देगा आने वाले वीक्स और महीनों में, राइट। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही होगी तो डेफिनेटली लाइक करते रहिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि देखो इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के अप्रोचेस, इस प्रकार की एनालिसिस केवल केवल आपको पीटीएस के चैनल पे मिलती है। अच्छा, देखिए हमको एक और चीज़ देखने को मिली है, और देखिए जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट होता है किसी स्टॉक का, वो बाद में रेसिस्टेंट बन जाता है, तो उसके ऊपर भी ये निकल चुका है, आप ये ध्यान दीजिए, ये सपोर्ट था, ठीक है, एक बार दो बार तीन बार, ये जो सपोर्ट था यहाँ पे रेसिस्टेंट एक बार बना था, ठीक है, आप देख रहे हैं, और यहाँ इसने ट्राई किया था थोड़ा नीचे जाने का, लेकिन ये रेसिस्टेंट के ऊपर इसने अच्छा खासा ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में इसमें रैली देखने को मिलेगी, राइट। तो इस रेसिस्टेंट के ऊपर भी इसने क्लोज कर दिया, ये हमारे लिए दो कंफर्मेशन है। आप यहां पे देख सकते हैं एक और चीज,
वीकली में भी यहाँ पे इसने रेंज बनाया था, सेम ब्रेकआउट दिया, फिर से रेंज बनाया था, फिर ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ से फिर से एक रेंज बनाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात दोस्तों? ये सारी चीज़ें आपको कहीं और सीखने को मिलेगी नहीं, सिंपल चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ, पीटी साहब के लिए लेके आती है। तो यहाँ से ये 101% ऊपर जाएगा 180 और 200 के लेवल्स के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले भी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसने किया था, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद से ये ऊपर ही चला गया था। कितने का स्विंग दिया था नीचे से? 80 से इसने 300 का इसने हाई लगाया था, इसने 300 का हाई लगाया था। तो देखिए इसके लिए भी आने वाले डेट में इसका बहुत लंबा टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। इसके लिए देखो मैं आपको बता दूं, अगर हम इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिस पे देखें, ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखें, तो इसका लेवल मैं आपको बता दूं 200 तो है ही और 300 इसका टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। कितने? ये 2 से 4 सालों के लिए। हाँ जी दोस्तों, 2 से 4 सालों के लिए, ठीक है, ये 2 से 4 सालों के लिए 200 से 300 तक का इसमें टारगेट निकल के आ रहा है JSW स्टील में, राइट। तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, किन लेवल्स पे क्या करना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपको सब कुछ हमने क्लियर कर लिया। और दोस्तों देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़बरदस्त चीज़। JSW स्टील ने अपने 200 DMA के ऊपर कंटिन्यूसली कितने दिन कैंडल क्लोज की है हम गिन लेते हैं, देख लीजिए, 16 दिन, दैट मीन 16 डेज इसने अपने 200 DMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि JSW स्टील में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और अब ये यहां से भागने के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। और आपको डिप में बाय करना, अभी नहीं बाय करना, अभी बाय करोगे फंसोगे आप, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए, 150 के आसपास आए, देखो इंट्राडे के लिए थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है, नीचे आए तब आपको लेना है, दैट्स इट। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा जो हमारे चैनल पे नया विजिट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही था हमारा आज का बहुत बेहतरीन, कह लीजिए आप जैकपॉट स्टॉक, जो आपको आने वाले डेट में काफी अच्छा मुनाफा कमा के देने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की एनालिसिस आप भी कर पाएं, इस प्रकार का जो कॉन्फिडेंस है आप भी ले पाएं, तो आप पीटीएस के पास आइए। पीटीएस के पास आपकी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हैं। पीटीएस आपको बताएगी कि कैसे आपको इंट्राडे में काम करना है, कैसे आपको शॉर्ट टर्म में काम करना है, कैसे आपको पोजिशनल में काम करना है, कैसे आपको डिलीवरी में काम करना है। हमारे पास वो सब चीज़ है जिसके लिए आप मार्केट में भटक रहे हैं। दोस्तों यदि आपको देखो जानना है कि हम क्या चीज़ देंगे ट्रेनिंग में, तो आप एक दफ़ा हमारी वीडियोस देखी है जिसकी हमने एनालिसिस की है, वो स्टॉक कैसा परफॉर्म किया है, उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, आप एक बार देखिए, ठीक है, आपको उससे पता लग जाएगा कि हाँ यार इस बंदे के अंदर क्या पावर है, राइट। और हमारी हर वीडियोस में आपके लिए एक मैसेज है कि आपको नॉलेज पे फोकस करना है बजाय कॉल्स के। और देखिए यदि हर बंदा ये सोचे कि मेरे को कॉल्स पे फोकस नहीं करना, मेरे को नॉलेज लेने पे फोकस करना है, मेरे को शेयर मार्केट की नॉलेज नॉलेज लेनी है, तो आज के डेट में कोई लॉस नहीं करेगा, सब थोड़ा थोड़ा अपना अपना रोज का प्रॉफिट करेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप सही शांत मन से सोचेंगे तभी मुमकिन है। और पीटीएस ने ये प्लेज लिया है कि भारत के हाइक्स और पीटीएस ने ये प्लेज लिया है कि भारत के 130 से 135 करोड़ लोगों को शेयर मार्केट में जोड़ेगी और शेयर मार्केट का ज्ञान देगी, नॉलेज देगी, वो चीज़ देगी जिससे शेयर मार्केट चलता है, ठीक है। और हमने शेयर मार्केट को समझना और शेयर मार्केट में काम करना काफ़ी आसान कर दिया है। अभी हमारे ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, अभी 1 दिसंबर को
होने जा रहा है हमारा ऑफलाइन लाजपत नगर में, और ऑनलाइन हमारे क्लासेस 24/7 चलते रहते हैं। आप कभी भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा के आप नॉलेज गेन कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए, आप अभी से सोचिए, अभी से ये चीज़ स्टार्ट कीजिए, लर्निंग कीजिए, तभी आपकी अर्निंग होगी। सो विद दिस सेड वाइंड अप करते हैं ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी वीडियोस को। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सबको गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।